أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن आऊज़बिल्लबिल्शातावज़ीम बसमिल्लामानरिम الذي خلق فسوى والذي قدر फसा صدق الله العظيم अब जो दो सूरतों का जोड़ा आ रहा है सूरत-ul-आला और सूरत-ul-गाशिया इन दोनों के बारे में ये बात तो आप में से बहुत से इल्म में होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व का ये मामूल था कि जुमा और ईदेन की नमाजों में आप इन सूरतों की इत फरमाते थे पहली रकत में सूरत दूसरी रकत में सूरतिया और उसकी वजह भी साफ समझ में आ जाती है इन दोनों में तज़ीर का हुक्म है हज़ूर को फजक्िर नमानता मुजक्र फजक्िरफात ज़िक्र तो चूँकि जुम्मे और ईदेन में ख़ुतबा है बाकी नमाज़ें जो हैं वो तो सिर्फ़ कुरान पढ़ा जाता है लेकिन ये कि जिन नमाज़ों के साथ खुतबा है उसमें वो तस्कीर है याद दहानी है और उसके हवाले से फिर ये सूरतें जो हैं अलैहि ने्लम उन नमाजों के लिए गोया के मुतख की सब बेस्म रब का आला बाकी बयान करो अपने उस रब के नाम की जो बहुत बुलंद है नाम का लफ्ज़ यहाँ क्यों कहा गया इसलिए कि हमारा जो भी कोई जहनी रिश्ता हो सकता है अल्लाह ताला के साथ जहाँ तक उसकी ज़ात है वरा सुम्मा वरा सुम्मा वरावरा वरा, वरा, वरा उसका कोई तसवुर हमारे लिए मुमकिन नहीं हमारे तखैल से तसुर से वरा, वरा सुम्मा सरा वरा हमारा जो भी उसके साथ जहनी कलबी रिश्ता है उसके नामों के हवाले से है हुस्ना उलहस्ना बिहा लिहाजा तस्बीह भी होगी अल्लाह की तहमीद भी होगी तो अल्लाह के असमा के हवाले से होजी खला व नज़ी क़द दरा ये चार अल्फाज जो हैं बहुत है बहुत काबिल तो जैसे कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि तीन अल्फाज में तख्लीक़ के अमल को अल्लाह वाजे किया तकसीम करते हुए वाहमसवर एक शय का पहले एक जहन में नक्शा बनता है फिर उसका बिलफैल उसको फिर बाहर जो है उसका वजूद आता है फिर उसके फिनिशिंग तेजी होते हैं फिर तस्वीर है उसकी अल अलबारीमस ये सूर हशर के आख़िर में जो अस्मा का गुलदस्ता है सबसे बड़ा कुरान हकीम में उसमें आखिर में यही तीन है यहाँ चार अल्फाज हैं खलक फसवा इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि एक है किसी चीज़ का जो असल ह्यूला है वो तैयार कर दिया जाए इसकी सादा तरीन मिसाल ये है कि बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया अब उसके बाद तस् है इसकी छान फटक करके और इसके संवारना है इसको इसके अंदर डेकोरेशन है इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ख़ूबसूरती की चीज़ें पैदा करनी है ये तस्विया है तो तखलीक ढांचा खड़ा हो जाना और तस्विया फिर उसके अंदर तमाम चीज़ों को बेहतर से बेहतर अंदाज़ में फ़िनिशिंग टचेस देना व नज़ी क़त्रा अब हर शे की जो कि इन दो मराहल से गुजर चुकी है तखलीक़ और तस्वीर के दो मराहल से उसके लिए एक अंदाज़ा मुकर किया जाता है इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं इसकी क्या पोटेंशलिटीज़ हैं या यूँ कहिए इसकी क्या लिमिटेशन हैं अब एक इंसान है अशरफुलमखलूक है लेकिन उसकी ये लिमिटेशन है कि वो उड़ नहीं सकता परिंदा है छोटी सी चिड़िया है उड़ती पड़ती है तो हर एक नाव की लिमिट्स हैं हर एक नाव के लिए अल्लाह तला ने उसकी एक तकदीर उसका एक अंदाज़ा जो है मुकर कर दिया फिर अलवा की तकदीर वो करो इंसानों की भी तकदीर है वो तो जो मैं बता चुका हूँ शाकिला जो बनता है वो जो भी जीन्स आए हैं वो तो उसके गोया के गिवन है उसके लिए किसी को जहानत वाले मिले हैं किसी के अंदर जिसमानी क़ोत वाले ज़्यादा हैं जिस किसी में कोई और वसफ़ है तो ये भी उसके लिए गिवन है और इससे उसका शाकिला तैयार हो जाता है उसकी शख्सियत का एक सांचा बनता है अब जाहिर बात है कि उसके अंदर जो भी अब वो मेहनत करेगा इसके अंदर अंदर करेगा इस सांचे से बाहर नहीं निकल सकता जैसे अंग्रेजी की कहावत कह लीजिए या जो भी उसे कहें कि वो कहते हैं कि यू कांट आउट ग्रो योर स्किन ये खाल जो है हमारे जिसम पर चढ़ी हुई है आप कितने ही मोटे हो जाए मैं और कितना ही फैल जाऊं लेकिन खाल से बाहर तो नहीं निकलूंगा खाल वो फैलती चली जाएगी तो खाल के अंदर रहना है इसी तरह वो जो सांचा बन गया है इंसान की शख्सियत का नेकी करेंगे तो उसी के अंदर अंदर करेंगे बदी करेंगे तो उसके अंदर अंदर करेंगे अब उसकी क्वांटिटी जो है वो अल्लाह ताला के यहां फैसला कुल नहीं है अल्लाह ताला ये देख लेगा कि इस शख्स के अंदर कितनी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब ने उसने क्या किया एक शख्स सौ दर्जे तक जा सकता था वो गया है पचास दर्जे तक एक शख्स जा ही सकता था पचास तक और वह पचास तक चला गया तो वो पचास तक जो है वो हंड्रेड परसेंट कामयाब हो गया और ये जो है नाकाम शुमार हो जाएगा तो यही बात जो है मैंने वजाहत पहले भी कर दी थी कि ला इल्ला वहा किसी भी जान को अल्लाह ताला मुकल्लफ नहीं ठहराएगा रिस्पांसिबल नहीं ठहराएगा मगर उसकी वसत के मुताबिक ये इंडिविजुअल सा जो है वसत हर शख्स की उसका शाकिला ये गोया कि उसकी तकबीर है फहदा चौथी चीज है कि हर शे का एक अंदाजा मुक करने के बाद फिर एक जमली हिदायत उसको दे दी जाती है चलो इधर पहली जिमली हिदायत है जिसका अगर आ, आ जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद जमली हिदायत जो है वो हक बकरी के अंदर हिदायत है कि ये चीज़ तुम्हारे खाने की है ये खाने की नहीं है बेहतरीन गोश्त उसके साथ डाल दीजिए वो तो नहीं खाएगी तो जिमली हिदायत है उसकी और गोश्त की ओर और, और जो है आप शेर के सामने बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ तरकारियाँ लाकर डाल दीजिए वो देखेगा भी ठूकेगा भी नहीं उसको उसे गोश्त चाहिए यह है हर जबल जि, जि, हिदायत फिर जबिली हिदायत के ऊपर फिर हिदायत के और मराहल हैं जो अल्लाह ताला देता है फिर वो अपनी किताबें नादिल फरमाता है अपने नबी भेजता है ये गोया कि हिदायत की तकमील है वरना हिदायत तो बुनियादी तौर पर जो है हर जबलत के अंदर भी अल्लाह ने वदियत कर दी है तो ये हर क्रिएशन के लिए यह चार अल्फाज यहाँ आए सब रब आलाजी खला का फसल वल फा वल अखरज अलमरा वही है कि जो निकालता है चारा ज़मीन से फजाला गोसान अहवा जो शुरू में तो घास उगी है तो बड़ी खूबसूरत हर हरियावल जो है उसके बाद जो है उसके बाद वो स्याह पड़ जाता है और चूरा चूरा हो जाता है सलुक रे का फला तसा नबी हम आपको पढ़ा देंगे आप भूलेंगे नहीं ये भी वही बात है जो सूर क़्याम में आ चुकी है ला तो हरग भिसा न करे ताजल ना जमा हुआ कुराना हमारे जिम्मे है आप ये मुशक्कत ज़्यादा अपने ऊपर ना ले ये हम काम कर देंगे आपके सीने में इसको जमा कर देंगे और पढ़वा देंगे तरतीब भी बता देंगे सर का होगा फला तनसा माशा सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे तो अगर अल्लाह चाहे फ़र्ज़ कीजिए इसलिए बात को वाजे करने के लिए अल्लाह को चाहेगा तो आप लाख अपनी जबान को हरकत देते रहे अल्लाह तुदरत से तो आप बाहर नहीं निकल सकते आखिर अल्लाह तला खदीर है अल्लाह शे पर लेकिन यह कि यह सिर्फ उस इमकान को जाहिर करने वाली बात है इसका ये मतलब नहीं कि इससे ये निकल आता है कि कुरान मजीद की कोई आयत ने भुलवा भी दी मोहम्मद को वसल्लम ये ऐसे ही है हैदुलफाना आबिदीन अगर अल्लाह का कोई बेटा हो तो सबसे पहले मैं पूजूंगा उसे तो ये उस तरह की चीज़ है ताला जो है वो तो जानता है खा कोई बुलंद आवाज से बात कही जाए और खा उसे छुपाया जाए व ना अब ये नज़रा यह नोट कर लीजिए ये आगे बढ़कर एक मजमून खुलेगा इससे और सहज सहज तहसीर बासर से बाब तफील आसान करना और तहज सहज थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्तार हम आपको आसान बना देंगे किस चीज़ के लिए युसरा वो बड़ी जो आसानी है जन्नत वहाँ पहुँचाएंगे और जो बड़ी कामयाबी है दुनिया में दीन का गलबा वहाँ भी पहुँचा देंगे लेकिन सहज सहज होगा इसके लिए अपना एक एक तदरीज है जो हमारी हमत में हमारे इल में है वैसे हम चाहें आने वाद में कर दें दिन का गलबा हो जाए कोई रहे ना दुश्मन आने वाहिद में तमाम इंसान जो है और तमाम जन्नात को अबू बकर जैसा बना दे हम बना सकते लेकिन ये कि हमारी जो हमत तख्लीक है उसमें यही होगा तहसीर आहिस्ता आस्ता और ये फलसफा आगे चलकर बहुत खुलेगा वसर का दिन युसरा फक निकरा आप तो याद दहानी कराते रहिए अगर फायदा दे समझाना और इसमें दर हकीकत ये है कि जिक्र जो है अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला की तस्कीर जो है अगर तो कह दिया है यहाँ पर अगर फ़ायदा पहुँचाए लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर फ़ायदा पहुँचाए तभी तस्कीर की जाए इसलिए कि आगे आ रहा है सयाद ज़क करो मंग यक्षशा यानि आप अगर तस्कीर करेंगे तो जिसके दिल में कुछ खौफ है उसको तो फ़ायदा हो जाएगा ना आप तस्करीर फरमा रहे हैं नई वही आ गई है उसे आपने पढ़ सुनाया है वो जिनके जिनको परवाही नहीं है उनको तो फायदा नहीं होगा लेकिन आपके अहले ईमान साथियों के इल्म में इजाफा होगा उनके अंदर और जो है ईमान जो है बढ़ेगा सैयद सैद जककर उमशा वनबल अलबत्तः जो शकी है बदबक है वो इससे उसका अपना पहलू कतरा जाएगा वो पहलू मोड़ लेगा अल्लज़ी नारल कुबरा जिसका अंजाम फिर ये होना है कि वो बड़ी आग में झोंका जाएगा दाखिल होगा बड़ी आग में मलामू तफिया वला याहिया फिर ना उसमें वो मरेगा और ना जिंदा रहेगा ना जिंदों में ना मुर्दों में ला तुमकी वातजर सुरह मुद्दसर में जो आयत आई थी सुमलामू तफी वला याहया फिर ना उसमें उसको मौत आएगी ना वो जिंदों में होगा ना मुर्दों में कद अफलाह मन तजा यकीन कामयाब हो गया वो ये मजमून भी आगे अब फैलेगा और बढ़ेगा तरक्की करेगा कद अफलाजक्का बेशक कामयाब हुआ वो कि जिसने तजकिया हासिल कर लिया अपने आप को पाक कर लिया यानी इंसानी रूह जो है वो इस जिस्म में जब कैद की गई है बनाया गया बहुत बुलंद लकद खलक न इंसान अफी आसन तकवीम फिर डाला है इसमें इस हैवानी जसद के अंदर सुम मरदना हो असफला साफिली अब यह कि यहाँ से वो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी यहाँ से ऊपर उठना होगा आपको मेहनत करनी होगी हर इंसान को तस्किया करना होगा फलाह हासिल करने के लिए कुछ अपने जज्बात को कंट्रोल करना होगा कुछ अपनी शहवाद को दबाना होगा अपने नफ्स का जब नफ्स का सामान करना होगा कुछ अपनी रूह के तकवीत का सामान करना होगा जैसे कि ये दो तरफ़ा प्रोग्राम रमजान का है कि दिन में रोज़ा रखो और इस हैवानी मौजूद है उसे ज़रा कमज़ोर करो थोड़ा सा मुजमैल करो ताकि इसका दबाव जो है उस रूह रब्बानी के ऊपर उस वदन में कुछ कमी आए रात को खड़े हो जाओ और इस रूह के अंदर आबियारी इसके ऊपर कुरान के अनवार की बारिश करो उससे यह कि यह रूह ताजा होगी जिंदा होगी अपने रब की तरह मुतवज्जे होगी ये है अमल तजाफला तजा रस्म रब और उसने किया दिया नाम अपने रब के नाम का जिक्र किया और फिर नमाज पढ़ी तो इसमें यह कि यही शक्ल हो चुकी है जुमे के अंदर पहले जो है तस्कर के लिए खुतबा होता है खुतबा जो है तस्कर के लिए चुनाचे जो हदीस है मुस्लिम शरीफ में हजूर का मामूल क्या था जुमे के लिए कानबी सतान यदि बैन हुमा यक्रयातर मन्दास हजूर के दो खुतबे होते थे उसके दरमियान आप बैठते भी थे थोड़ी देर के लिए हालांकि खुतबे आपके होते थे बहुत ही मुख्तसर को थकान की वजह से नहीं आप बैठते थे मेरे नज़दीक ये कि जो दो रकतें हैं जोहर की उसके कायम मुकाम है ये दो खुतबे जोहर की चार रकतें हैं फ़र्श और जुमे की रह गई दो तो दो रकतों के कायम मुकाम ये दो खुत हैं इसको जाहिर करने के लिए खुदू वक्फा डालकर और उनको दो खतबे बनाते थे लेकिन खुदबे में करते क्या थे यक्र आयात कुरान कुरानुर मजीद की आयात पढ़ के सुनाते थे वह युजक के रन्नास लोगों को यहाँ देहाँ कराते थे और उसमें मुला क्या था अजदिल बरदिल रज़त जबान का हिजाब था ही नहीं हज़ू की अरबी और जो सुनने वाले बैठे उनकी जबान अरबी तो लंबे चौड़ी बात की ज़रूरत भी तो नहीं, नहीं थी हमें तो मानी बताने पड़ते हैं उसका मफह बताना पड़ता है तब तर्जुमा करना पड़ेगा कोई नहवी अशकाल हो बताना होगा उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्तसर तरीन खुतबा होता था और उसमें तजगीर याद दहानी और इसी में आता है असल में वो हदीस जो आती है कि वो जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ अल्लाह के नबी ने बताया है कि जो पहली घड़ी में अगर इसमें इतना है कि इससे मुराद क्या है एक राय तो यह है कि इशराक के वक्त जो लोग पहुंच गए मस्जिद में गोया कि वो पहली सात में मस्जिद में आ गए जुमे के रोज़ उनको इतना सवाब मिलेगा जितना कि एक ऊंट की कुर्बानी से होता है जो दूसरी सात में आएंगे उन्हें इतना सवाब मिलेगा जितना गाय की कुर्बानी का तीसरी सात में आएंगे उनको इतना सवाब मिलेगा जितना एक बकरी या मेढा जो है अल्लाह की राय ने क़ुरबान किया चौथी साख में आएंगे उनके लिए ऐसा है कि एक एक जो मुर्गी है वो अल्लाह की राय ने सदका कर दी और जो पांचवी में आएंगे वो ऐसे जैसे कि एक अंडा अल्लाह के नाम खैरात कर दिया इसके बाद जो आता है तो जो फरिश्ते बैठे होते हैं मस्जिदों के दरवाज़ों पर और उनके रजिस्टर होते हैं उनमें हाजिरी का इंदराज करते हैं वो इसके बाद जब इमाम का खिताब शुरू हो जाता है लेकिन वहाँ ख़ुतबा होता था खिताब नहीं हमारे यहाँ तो फिर दो चीज़ें हो गई एक उर्दू की तकरीर फिर एक खुतबा जब इमाम का ख़ुतबा शुरू हो जाता है तो उसके बाद फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद करते हैं यश ज़िक्र वो भी उस ज़िक्र को सुनने में मसरूफ़ हो जाते हैं यानी अब जो आने वाले हैं उनका इंदराज नहीं होता अब इसमें जो तावील की उलमा ने और में से शाह वली देहलवी की तावील है ये कि एक तो ये कि इससे मुराद ये हमारी साहतें नहीं हैं बल्कि कुछ खफ़ी साहतें हैं ये ये मुझे इख्तिला है उनकी राय से अलबा दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि इसमें जो इंदिराज नहीं होता वानी में कि फजीलत अब नहीं रही। गई फजीलत गई फ़र्ज़ की अदायगी तो हो जाएगी चाहे खुतबे के दौरान भी आप पहुंच गए हैं तब भी जुमे की फर्ज की अदायगी तो हो जाएगी लेकिन फजीलत का मामला दफ्तर फजीलत है जो फरिश्ते बंद करते हैं अब आपका इंदराज नहीं होगा जब इमाम ने खुतबा शुरू कर दिया तो वो है कि जक्र रस्मा रबे ही पहले खुतबे में अल्लाह का नाम लिया जिक्र किया फिर नमाज पढ़ी ये तरतीब कि जुमे के अंदर हो रही है बल तो सरूर हयात दुनिया तुम्हारा असल मर्ज क्या है दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो अल्ला, अल्ला खैर सल्ला मैंने यही कहा था ना कि बेमकदमा किसे आगे रखा किसे पीछे रखा सारा फैसला तो इसमें है मुकदम आखरत है और दीन है या दुनिया है या तो आपने मुकदम बना दिया आखरत को तो जितनी दुनिया मिल जाए अल्लाह का फजल है अल्लाह की तरफ से देन है बोनस है लेकिन अगर आपने मुकदम बना दिया दुनिया को तो फिर आप गए बस ये है सारा कांटे की बात जो है तो इस हवाले से बल तो से रूनल अल हयात दुनिया कल्ला बल तो तदरूनल रूनल तुम्हारा असल मर्जी है तुम इस आज से मोहब्बत करते हो इसका नफा भी नकद नुकसान भी नकद तकलीफ भी फौरन महसूस हो गई और राहत भी फौरन महसूस हो गई और आखिरत की नफा नुकसान भी कर्ज है उधार है उसकी तकलीफ इस वक्त महसूस नहीं हो रही अंगारे भर रहे हैं अपने पेट के अंदर लेकिन वो अंगारे इस वक्त पेट को जला नहीं रहे हैं वो अंगारे जाहिर हो जाएंगे क्यामत के अंदर वो जलाएंगे उस वक्त लेकिन अंगारे भर इस वक्त रहे हो जो फरमाया कि जो य, 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 यतीमों का माल हड़प करते हैं नाक तौर पर मायाकलून फीबूतू नहीं मिल रहा नाह वो आग भर रहे हैं अपने पेटों के अंदर लेकिन इस वक्त वो आग ठंडी है शुगर कोटेड है ऊपर उसके इंसुलेशन है वो आपके बेदे को जलाती नहीं जाकर लेकिन वही है तो आग बहरहाल तुम तरजीह देते हो दुनिया को वल आखिरत खैर हूं आपका जबकि आखिरत बेहतर भी है और बाकी रहने वाली है उला। यही बात थी पुराने शरीफों में असल में यू समझिए कि जो कांटे की बात है वो ये है जो असल शह है हिदायत और जलालत की जो बात है राज वो ये है किसको मुकदम किसको दुनिया की आखिरत शोफ़ इब्राहिम और वमूसा शोफ़ उ यानी इब्राहिम के सहीफे और मूसा के सहीफे इनका जिक्र पहले भी आया है तो मूसा के सहीफे हमें मालूम है इब्राहिम के नहीं जैसा कि मैंने अर्ज किया मेरी एक राय है कि जो हिंदुओं के हैं उपनिषद वो मेरे नज़दीक शोफ़ इब्राहिमी की बिगड़ी हुई मरली हुई शक्लें सूरतलगाशिया बसमनिम हल अता हदीस उल्शिया क्या पहुँच चुकी है तुम्हारे पास

यहां देखिए रुजू ही दिन खाशियात बहुत से चेहरे उस दिन होंगे जलील हुए हुए दबे हुए झुके हुए आ नासिबा ऐसे के जैसे बड़ी कोई मुशक्कत झेली है उसका तकान के असरात है एग्जॉस्टेड है तस्ला दारन हामिया वो दाखिल होंगे एक तपती हुई आग में दहकती हुई आग में तुस्मिन एनिन आनिया उन्हें पिलाया जाएगा वो पानी के जो खोलता हुआ होगा एक ऐसा चश्मा जिसका पानी खोलता हुआ होगा नहीं होगा उनके लिए खाने के लिए गजा मगर झाड़ कांटों वाला कांटों वाली झाड़ियां या वो जकूम जिसका जिक्र पहले हो चुका है ला वला लायुस्मनो मिन मिंजू ना तो वो मोटा करे और ना वो भूख ही को मिटाए यानी ये कि खाने के दो ही फायदे होते हैं आपके तो जिसम को तकवियत हासिल हो या ये कि कम से कम का एहसास तो ख़त्म हो जाए इन दोनों में से कोई है नहीं होगी अब इसके बरक्स वजू होंगम न बहुत से चेहरे होंगे उस रोज़ तरोताज़ा जैसे कि नाजो नाम में पले हुए लोग होते हैं उनके चेहरे ले साजिया वो अपनी सही और जो भी उन्होंने दुनिया में मेहनत की थी और उसके जो भी उन्होंने मुशक्क़त की थी सारो क़ुरबानी का मामला किया था उसका जो नतीजा उनके सामने आएगा उससे राजी होंगे ले सा हाँ ये उन्हीं की कोशिश थी मेहनत थी लेकिन आज अल्लाह ने कबूल फरमा दी रहा का कहना सा मशकूरा वो लोग होंगे कि जिनकी सही जो है अल्लाह ताली के यहाँ मकबूल हो जाएगी तो वो राज़ी होंगे फ़ी जन्नत आलिया एक बाग़ में जो बहुत बुलंद होगा ऊँचा आ तस्बाओ फ़ीह ला उसमें वो कोई लंग बात भी नहीं सुनेंगे कोई लंग बात सुनने से भी इंसान को कोफ्त होती है तो और तो कोई बात क्या झूठ सुनना या कोई इल्ज़ामे तो उसका सवाल नहीं लंग बात भी नहीं सुनेंगे फ़ीहा आयुन जारिया उसमें एक चश्मा है जारी चलता हुआ बहता हुआ फ़ीहा शोरुम मरफुआ उसमें ऊँचे तख्त हैं रफ़ी वह अखवाब मौजूँ और आब खोरे हैं कप्स हैं जाम हैं कि जो रखे हुए बड़े हिसाब से बड़ी उमदगी से चुने हुए वह नमारे को मसफूफ़ और कालीन हैं जो सफ़ के अंदर अंदर बिछाए हुए साथ के साथ लगा कर वह जरा भी मफसूस और, और मकबल के निहालचे हैं जो हर जगह जगह फैले हुए हैं थोड़ी देर के लिए उधर जा बैठना है तो वहाँ भी है अफलायफ़ल ये वो आयात है कुरान की कि जिसमें जो अलामा इकबाल ने कहा है कि ऑब्जरवेशन देखो और फिर नतीजे निकालो ये जो कल्चर है ये कुरान ने पैदा किया है तब ऐसे ही बनाए हुए अकायद जिनके लिए कोई सनद नहीं ना अकल में है और ना नकल में है या तो वही है नॉलेज है जो उसमें है अकल में आए या ना आए वो अल्लाह की बात है वो माननी है लेकिन उसके बाद उससे मावरा कोई बात जो खिलाफ अकल है वो नहीं मानेंगे वो फिर होनी चाहिए इन सम्वल बसर अवल फ़ुआत का उससे है तो अब देखो अफला कैफा को लेकर तो क्या ये गौर नहीं करते देखते नहीं है कि उल्टों को कैसे बनाया गया है उनके जिस्म की कितनी हम आहंगी है उनके माहौल के साथ पूरे पूरे हफ्ते उन्हें पानी ना मिले लेकिन वो चलते रहेंगे खाने को ना मिले चलते रहेंगे उनके पाँव ऐसे बनाए कि धसते नहीं रेत के अंदर कई फिलक़त वही समा कै फरोत और आसमान कैसे उसको बलद किया गया है ये एस्ट्रोनॉमी वालों का फील्ड है वो समझे कैसे है ये वहील जिबाल कैफरूस और ये जो बाड़ है ये कैसे गाड़ दिए गए ये जियोलॉजी वालों का फील्ड है वो इस पर तहकी करें विल अर्द कैफ़ते हाथ और तो जमीन को नहीं देखते कैसी बिछा दी गई है वैसे इसका एक खास तो वो समझ लीजिए पस मंजर भी है कि किन चीज़ों की तरफ तो हर कायनात की हर शे अल्लाह की निशानी है इन न फ़िखल समावत वल लड़दे वक्त लाफिले वल फुल्लती तजरीफ़ा नाश वमाजल्लाबाफ़ा बही लड़दा बहादा मौतिहा वह बस सफ़िया बिनकुल दाब इन व तशरीफ़र रिया वहाखरे बन या तिलू हर शे आए थे शेख सादी कहते हैं बरग दरख्त आने दर नज़र होशियार हर वर्क दफ्तर अब मार्फत किरदगार ये जो दरख्त हैं उनके जो पत्ते हैं हरे हरे पत्ते जो देखने वाली आँख है उसको तो ये उनमें से हर पत्ता एक दफ्तर नजर आता है मारफत का अल्लाह त मारफत का और आज हमें मालूम हुआ है कुछ ना कुछ आज से पहले लोगों को मालूम नहीं था कि हर पत्ते में एक फैक्ट्री है फोटोसिंथेसिस की फैक्ट्री है कि जो उस जो ये सोलर एनर्जी है उसे वो जज्ब कर रही है और उसको जो है कन्वर्ट कर रही है वही एनर्जी है जो लकड़ी के अंदर स्टोर हो रही है फिर आप लकड़ी जलाकर निकाल लेते हैं आग कहां से आ गई वही सोलर एनर्जी उसकी सोर्स वही है और उस सोलर एनर्जी को सूरज की उस, उस हरारत को जज्ब कर रहा है ये पत्ता और वहाँ वो अमल जारी हर पत्ता एक फैक्ट्री है फोटो सिंथिस की तो बर्ग दरख्तान सब्जर दर होशियार हर वर्क दफ्तर अजमार फतेहगार लेकिन यहाँ चार चीज़ों का जिक्र जो हुआ है ये खास पस मंजर है आपको मालूम है कि इन लोगों के जो पहले मुखातब थे कुरान के उनकी जिंदगी गुजरती थी सफरों में नहीं लगा व सैफ और सारा ये हिजाज का इलाका था जब ये चलते थे तो चलते हुए क्या चीज है ऊंट पर तो सवार है ऊपर आसमान है दाने बाएं पहाड़ है नीचे जमीन है ये चार चीजें वो थी कि जो इनके लिए हर वक्त हर आन इनके निगाहों के सामने देखते तो तुम हो लेकिन ये हैवानों का सा देखना देख रहे हो तुम ये तो ऊंट ने भी देख लिया कि ऊपर आसमान है नीचे जमीन है और इधर पहाड़ है इधर पहाड़ है ये तो उसने भी देख लिया तुमने क्या देखा दमचीस प्यामेसुनीदी न सुनीदी दर के तो यक जलवा आमेष न दीदी ये सांस जो आ रहा ये है ये प्याम है कोई पैगाम है अल्लाह का कभी सुना है कि नहीं सुना और तुम्हारी खाक के अंदर एक जलवा भी है जलवा रब्बानी रूह मलकूती भी है कभी देखा है उसको दीदन दिगर आमोश शुनीदम दिगर आमोश ये सिर्फ हैवानों का सा देखना और हैवानों का सा सुनना इससे ज़रा आगे बढ़ो इंसानों का सदोष देखना इंसानों का सुनना सीखो तो ये है वो कि अब इनको देखो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो इनकी हिमतों को देखो इनको इन्वेस्टिगेट करो इसमें कवानीन फितरत जो हैं कवानी तभी हैं उनको उनका इनकशाफ होगा ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुस्क्र कर दी गई हैं तुम इनको मास्टर करो इनको अपने खूब अपने इस्तेमाल करो एक्सप्लाइट करो ये सारा काम तुम्हारे लिए है तुम्हें खिलाफत दी गई है ज़मीन की पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है खलका लेकिन यह कि इसमें तोहमत हो जाए तो फिर बात है कि का रास्ता रुक जाएगा अफला तो, जिबाल तो आप है ना नसीहत करते रहिए तस्कर करते रहिए इनको बताते और सिखाते रहिए याद दहानी करते रहिए आप तो बस याद दहानी कराने वाले हैं आप उनके ऊपर लस्ता बेमसैत आपको दारोगा नहीं है कि कान पकड़ कर ले आए उनको हिदायत के रास्ते पर यह आपका काम नहीं मुंह मोड़ा और कफुल किया लागा लागा लागा। उसको तो अल्लाह आजाब देगा सबसे बड़ा आजाब क्यों सबसे बड़ा आजाब रसूल के आने के बाद जबकि हक बिल्कुल उड़िया होकर सामने आ जाए कोई शक को शुमे हम बाकी ना रहे उनकी सीरत के बारे में उनकी शख्सियत के बारे में कोई दाग नहीं कोई धब्बा नहीं कोई उंगली उठ नहीं सकती उस और जिस तरीके से आयातः रब्बानी उन्होंने पढ़ पढ़ कर सुना दी है अब अब भी अगर कोई नहीं है तो मालूम कोई ख़ैर नहीं इनके अंदर अब ये शरीर तरीन अदाब के मुस्क हैं इना इले ना इबाहम एन अभी इन सब हमारी तरफ लौट कर आना है सुम इले ना हिसाब हम फिर हमारे जिम्मे हम हिसाब ले लेंगे आप अपना काम किए जाइए जो आपका फर्ज है आप अदा कीजिए बाकी ये हम पर छोड़िए जरनी वीन समझे मुझे छोड़ दीजिए मैं इनसे निबट लूंगा जरनी वल देखिए किस तरह सूरह तारीफ जो खत्म हो हुई है कि एक ही आयत में माह हूं आपको इनको जरा दीजिए बोल दीजिए हम हिल हूं दोनों सीखों में बाब तफील भी और फिर बाब फाल भी िसाबीरासाबन सूरत बिस्मा वल फज्रशरन व शवये कस्में जो हैं भले जैसा किसकिया मुश्किल में से हैं और इस तरह के दौरे में इसमें बहस नहीं हो सकती लेकिन यह कि फजर आम ख्याल कि इससे मुराद है दस जी हज की जो फजर होती है जिसके बाद के नहर होता है कर्बानी होती है वो गोया की क्लाइमेक्स है फिर हज के अफाल का इन आश्र और उससे पहले की दस रातें जाहिर बात है कि दस तारीख जब होगी तो दसवीं रात गुजर चुकी है तो दिल हज से लेकर और दस दिल्हज तक की यह दस रातें जो है गुजर चुकी हैं वह शफफ वल और एक दस रातें वो है कि जो अशर रमज़ान मुबारक में है इसमें शफा और वतर का फ़र्क है जुफ्त और ताक का ताक में फिर नैलतुल्कद्र है वैसे ये कि ये ताक रात कौन सी होती है अब इसके बारे में काफ़ी कुछ एक मसाइल पैदा हो चुके हैं बहर यहाँ तक पर शफ वतर, यही ख्याल है कि इससे मुराद है कि ये जो रातें हैं जो जुफ्त और ताक हैं माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशर की व लेड इज़ और रात उस गवाह है रात जबकि वो चले हल्फी जाले का कसम उल्ले दे इस क्या इसमें है कोई दलाइल है कसम है उन लोगों के लिए कि जो अक्लमंद हैं इनमें जो निशानियां हैं इन चीजों के अंदर जिनको गवाही के अंदर पेश किया गया है अब आ रहा है मजमून अलम तरह कई फफाद रब का ब्याज तुमने देखा नहीं क्या किया था आपके रब आद के साथ कौम आद के साथ कैसे हलाक किया था एराम ज़ातलमाद वो इरम जो सतूलों वाला था ख्याल ये है कि इरम जो है ये कौम आद का शाही ख़ानदान था जैसे फरादा मिस्र के नमारदा इराक़ के तबाब आ, तुबा ये थे यमन के और इरम जो है ये कौम आद का जो ख़ानदान था बादशाही उनका लकब था जातिलमाद ऊँचे ऊँचे सतूलों वाला और अब जो उस शहर की शद्दात जो इनमें एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है उसके आसार उसके खंडर मौजूद देख लिए गए हैं कि उस सेहरा के नीचे दबे हुए हैं और तीस उसके ऊपर बड़े बड़े मीनार बने हुए हैं उस शहर की फसील के ऊपर तो ज़ातिमाद जो बड़े सुतूनों वाला था अल्लती लमयुलक मिसलो हाफिल बिलाद जैसे कि उससे पहले कभी दुनिया में नहीं बनाए गए थे मालूम होता है कि वैसी तामीर जो उस आज के बादशाह शद्दाद ने की थी शायद दुनिया में पहली मरतबा इतना इसीलिए श्दाद की जन्नत मशहूर है उसने वो जन्नत बना ली थी अपनी इस कदर वहां पर साधो सामान था वह समूद के साथ क्या किया तुम्हारे रब ने जिन्होंने चट्टानों को वादी में चट्टानों को तराश तराश कर महल बना लिया वो तो अब भी मौजूद हैं बड़े बड़े हॉल फिर बगली कमरे बड़े उमदा उनके जो मकान बने हुए वह फिरा औताद और, और क्या किया आपके रब ने फिराउन के साथ कि जो बेखों वाला था उसके जो कि बड़े बड़े लश्कर चलते थे तो बहुत से खच्चर तो ऐसे होते थे जिनके ऊपर सिर्फ जो खेमों के को खड़े करने के लिए मेखें होती थी वही उठा के चल रहे हैं कुछ और भी इसके बारे में आ रहा है वल्लम अजीन तगाफिल बिला असल बात यह है कि इन तमाम कौमों ने सरकशी इख्तियार की मुल्कों में फाक्सर फीहल फसाद जाहिर बात है जब अल्लाह के ख़िलाफ़ सरकशी होगी तो खल के लिए फसाद हो जाएगा अक्सर उफील फसाद उसमें बड़ा फसाद पैदा करते आज जो फसाद है, हैव और है नॉर्थ वर्सेस साउथ एक फसाद है दुनिया में है चल रहा है जिस तरीके से कि पैसा खींच रही हैं ये कौमें जी सेवन और जी नाइन अगरचे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले नाज इतना ना करें हमको सताने वाले उनकी भी अपनी जो है अंदर से लगे कट रही हैं लेकिन बहरहाल एक ज़माने में उन्होंने फसाद बचाया जहर अल फसाद और फिर बड़े वाल बाहर बीमा कसमत फसब्ब अल रब का सौका अजाब तो फेंका और दे मारा उनके ऊपर उनके रब ने अजाब का कोड़ा अजाब का कोड़ा था जिससे आले फिर भी खत्म हुए और वो आज भी तबाह पर बात कर दिए गए कौम समूद नसी मनसिया कर दिए गए इन न विरसाद, जान लो कि तुम्हारा रब ताक में बैठा हुआ है घात में है जो कोई ऐसी सरकशी करेगा उसका फिर यही हशर करेगा ये अब जो मज़मून आ रहा है कुरान मजीद में बहुत ही अहम मजमून है फाम इंसान वज़ाम मब तला रबहू फ्र महू फूल व रब्बी अक्रमन इंसान का मामला यह है कि जब उसका रब उसे आजमाता है उसे इज्जत देता है नमतें देता है तो वो कहता मेरे रब ने मुझे इज्जत दी वम्मा एजाम मब तला फ़क़दर जब उसे आजमता है और उसका रिश्त जो है उस पर तंग कर देता है राशनिंग कर देता है थोड़ा थोड़ा देता है फ्कुल रबी अहान तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया कल्ला ऐसा नहीं है आपको क्या खराबी नजर आई इसमें कोई शिरक नहीं है उसने ये तो नहीं कहा कि मुझे नहमतें दी हैं तो कोई लक्ष्मी बाई की कृपा हो गई है ये तो नहीं कहा अल्लाह ने मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी और अगर कहीं तंगी आ गई है तो ये मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया तोहिद तो, तो मुकम्मल है ना यहाँ कि किसी और देवी देवता किसी और आलिया का तस्करा नहीं है रब ही ने मुझे इज्जत दी रब ही ने मुझे दलील किया तो इज्जत मंतशा व तो जिलो मंत अल्लाह तू ही है जिसको चाहता इज्जत देता जिसको चाहता दलील कर देता तो क्या खराबी क्या इसमें इसमें खराबी यह है कि इस दुनिया में जो कुछ तुम्हें मिलता है तुम इसे इज्जत मत समझो ये इम्तहान है और अगर कभी तंगी आती है इसे जिद्दत न समझो यह भी इम्तहान है ये बराबर है ये तुमने उसे इज्जत समझा धोखा खा गए इसको जिल्लत समझा धोखा खा गए चाहे तौहीद इंटेक्ट है आपकी लेकिन तोहहीद जो है वो तो यूं समझिए कि जड़ बुनियाद है ना हिदायत की इससे ऊपर भी तो मंजिल है हिदायत की कि नहीं ये इम्तिहान है एक लफ्ज़ जो कॉमन है इब्तलाह में डाला और इब्तलाह में इज्जत दी देखिए अब करता क्या है सब्र कर ये शुक्र करता है अपनी जो भी हमने इसको नेमतें दी हैं वो हकदारों को उनके हक अदा करता है कि नहीं करता है ये इज्जत नहीं है इज्जत तो तब होगी जब तुम इस इम्तहान में पूरे उतरोगे जारे का यौम तबाबुल वो तो कयामत में पता चलेगा कि किसके लिए इज्जत थी किसके लिए नहीं किसी को तंगी दी है तो ये जिल्लत नहीं है देखना है सब्र करता है कि नहीं करता कहीं ये बिल्कुल मुस्तर होकर और अपनी इज्जत नफ्स जो है हथेली पर रख कर लोगों के सामने मांगने के लिए तो नहीं निकल जाता पता चल गया ना तो ये इम्तिहान है तो पहला दर्जा समझिए कि चाहे फरावानी हो ऐश हो आराम हो दौलत हो यह भी इम्तिहान तकलीफ है रंज है मेहनत है मुशक्त है उसरत है तो यह भी इम्तिहान दोनों बराबर हो गए अब भी हिदायत इससे ऊपर भी है एक हमारे दिल में यह चोर रहेगा पहला इम्तहान आसान है दूसरा मुश्किल है नहीं हकीकत इसके बरक्स है पहला मुश्किल है ये दौलत में रहकर भूल जाने का आपके अंदर ज्यादा इम्कान है अल्लाह वाली साहब आपको सुनाई थी मा कल्ला व कफा खैर कसुर अगर ज़्यादती होगी दौलत होगी तो अल्लाह को भूल जाओगे तो ज्यादा सख्त नुकसान ये है ज्यादा बड़ा इम्तान यह है और अगर नाप तोड़कर मिल रहा है तो हर वक्त अल्लाह याद रहेगा यह हल्का यह हल्का है अगर हकीकत वो भारी है और इसी में वो वाक कर लीजिए इमाम अहमद इबनिहामल रहमत का कि जब वो मार पड़ रही थी कि जिसके बारे में अल्फाज है कि हाथी को भी वो मार पड़ती तो बिल बुला उठता उस वक्त आंखों में आंसू नहीं आए कब आए जब बादशाह का बादशाह वक्त खलीफा वक्त का इलची आया है अशरफियों के तोड़े लेकर के ये बादशाह ने आपके लिए नजराना भेजा है तब रो पड़े अः अल्लाह मैं इस इम्तहान के काबिल नहीं हूं ये इम्तिहान सख्तर है तो ये है दर्जा बदर्जा ल तड़का बुन न तबक तो हिदायत के भी ये दर्जे हैं पहला दर्जा तो ये है कि जो भी है अल्लाह की तरफ से है तंगी है तो अल्लाह की तरफ से और फरावानी है तो अल्लाह की ये तोहहीद तो पूरी हो गई आपकी अल्लाह की तरफ से लेकिन इसमें अब आगे दर्जे हैं कि ये इम्तहान है ये भी इम्तिहान वो भी इम्तहान इस एतबार से दोनों भी इम्तहान हैं ये दोनों बराबर है इससे भी ऊपर ये है वो इम्तहान मुश्किल है फ़रा वाला और ये इम्तहान जो है ये आसान है

वला अला तामिल तो मिस्की, को गरीबों को खाना खिलाने पर एक दूसरे को उकसाते भी नहीं हो खुद तो क्या खिलाओगे इसलिए किसी और से अगर कह देंगे तो वो पलट कर कह देगा तुम क्यों नहीं खिला देते लिहाजा बेहतर यह है कि खामोश ही रहो वा तून अलामिल मिसकीन पता कोलू ना अकल लम तुम चाहते हो कि सारी विरासत और निराश समेट कर तुम ही हड़प कर जाओ और वो रिवाज वहाँ पर ये था हिंदुओं में तो अब तक भी शायद है कि वो बड़ा बेटा जो है बस वही वारिस है बाकी किसी का कोई हक हाँ होता ही नहीं ये तो कुरान ने दिया है तफसीरी कानून विरासत बाकी यह कि जिस शख्स का हाथ पड़ गया और जिसमें दो बड़ा कोई ताकतवर है वो छोटे बहन भाइयों को क्या देता था कुछ भी नहीं तुम चाहते हो कि सारी निराश तुम जमा करके हड़प कर लो वह जम और माल से तो तुम मोहब्बत करते हो टूट कर वो तो गोया कि कूट कूट कर भरी हुई है तुम्हारे दिल में ये दो सूरतें इस एतबार से इनको जहन में रखिए कि ख़ास अरब का जो एक माशरा था उसका एक कल्चर था उसकी एक सकाफत थी उसकी तस्वीर है जो इन दोनों सूरतों में आ रही है एक उनका अपना सकाफत का उनका माहौल गरीबों को खाना खिला रहा है ये उनके यहाँ समझा जाता था अच्छा काम है लेकिन ये कि जो लोग दौलत की मोहब्बत में मुतला हो गए वो कैसे करेंगे इसको और जो भी वहाँ पर हो रहा था ज़ोरदार जो भी है ताकत वाला सबको समेट लेता था दो दक्कन दक्का। इस आयत के तर्जुमे दो भाइयों ने किए हैं दो भाई कौन इमाम शाह बलिय देहलवी के फ़र्जंदा ग्रामी रहमतल आल व रहमतल्ला बाप पर भी रहमत हो अल्लाह की और दोनों बेटों पर भी ये बूजे कुरान में शाह अब्दुल्कर साहब ने तर्जुमा किया है जबकि जमीन को कूट कूट कर पस्त कर दिया जाएगा हमवार कर दिया जाएगा इजा दक्कन दक्का व और जो उनके भाई हैं शारफीद्दीन रह वो कहते हैं कि जबकि जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा अब अरबी जबान के अंदर ये सारे एहतमालत होंगे मैं पहले तर्जुमे को तरजीह देता हूँ कि जमीन को कूट कूट कर चपटा कर दिया जाएगा फैला दिया जाएगा में आपने पढ़ा था ये तो हमने पढ़ा सूरह रहमान में और फिर यह कि वहां पढ़ा भुरभुरा सा हो जाएगा वल मलक वाला अर जाए उसके किनारों के ऊपर जो है वो फरिश्ते होंगे वह यह मिलो अर्श रे समानिया और आठ फरिश्ते उस रोज अल्लाह के अर्श को लेकर उतरेंगे सफा इससे अंदाजा होता है कि किस्सा जमीन बरसरे जमीन ही तय होगा जो हमने कमाया जो गंवाया यही कमाया यही गंवाया कोई नेकी कमाई तो यहाँ और कोई बड़ी कमाई तो यहाँ ये यह सारा किस्सा जमीन जमीन ही पर होगा जमीन को फैलाया जाएगा मुद्दत खेचा जाएगा चपटा कर दिया जाएगा कूट कूट कर पहाड़ चला दिए जाएंगे वो रेत के गाले बन जाएंगे ना उसमें कहीं कोई मोड़ होगा ना ऊंचाई होगी ना ढलवान होगी सूरह ताहा में एक एक बार से तो ये सारी चीज़ें करके फिर यहीं पर अल्लाह तजूल इजलाल होगा उसकी कोई तजल्ली होगी जिसको लेकर के ख़ास तौर पर आठ फरिश्ते जो हैं वो नाजिल होंगे व जा रब्ब कवल सफ़ फरिश्ते होंगे सफ़े मादे हुए व जी मै जम बे जहन्नम और ले आई जाएगी उस दिन जहन्नम भी और जैसा कि मैंने ऐसा किया गाले वो इसी ज़मीन में से निकल आएगी यही जो अंदर मौजूद है जो लावा निकलता है कभी इन तमाम जो भी ये आतिश फिशा पहाड़ होते हैं कहाँ से निकलता है ये अंदर है ज़मीन के अगर इसको कूट दिया जाए इसको खींचा जाए तो वही चीज़ जाहिर हो जाएगी सामने आ जाएगी वल्लम योम दिन ये तजक कर इंसान वाला ज़िक्रा उस दिन इंसान को सबक याद आएगा याद करेगा चेतेगा वो इंसान ये शाह शास तल्फ था चेतेगा इंसान याद आ जाएगा उसे कि वो क्या करके लाया था यहां पे और उसे पूरी नसीहत हासिल हो जाएगी लेकिन अब ये नसीहत किस काम की यो मजी या तजक कर इंसान वाना लहू जिक्र अब ये किस लिए अब तो इसका कोई फायदा नहीं वो तो दुनिया में अगर तुमने देखा होता सोचा होता हक तुम पर मुनकशिफ होते तो फायदा था यहां तो नहीं यकूल या ले कदम तो ले वो कहेगा हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता यह लव नोट की ये हयाती मेरी जिंदगी तो असली ये है आज मालूम हुआ मुझे मैं तो दुनिया की जिंदगी को जिंदगी समझता रहा वो जिंदगी नहीं थी वो जिंदगी की तमहीद थी वो एक इम्तहानी वक्फा था छाटी करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी बड़ी तवील जिंदगी में वो जिंदगी बरतरा जन देश सूदो जिया है जिंदगी है कभी जां और कभी तस्लीम जहाँ है जिंदगी तो इसे पैमाना पैमानाई मोजो फरदा से नन आप जावेद हम दवा हरदम जवा है जिंदगी इस जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा काट लिया मौत का वक्फा डालकर यह है आपका टेस्टिंग पीरियड खलकल मौत अवल हयात ले अब लोअम अयुम हसन वमल है तो इम्तहान पास करते हो अच्छे अच्छे मुस्तकबिल के लिए उस इम्तहान को पास करना था इस आशरत के लिए वो कहेगा यकूल या कद्दम तोले हयाती काश के मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता तो उस दिन वो वो अजाब देगा जैसा अजाब कोई ना दे सके लाजब आजाब अहद उसका सा अजाब न दे सके कोई और वला यू से उसका सा बांधना ना बांध सके कोई और लेकिन उसी वक्त कुछ खुशकस्मत होंगे कोई खुशकस्मत जिनसे कहा जाएगा या तोहन नफसुल मुतम कौन जो उस जिंदगी में इम्तहानी जिंदगी में मुतमिन होकर अपने रब की बंदगी में लगा रहा यकसुई के साथ उसके दीन के साथ चिमटा रहा मुतमिन या अब लौट जाओ अपने इस हाल में तुम उससे राजी वो तुमसे राजी रजी वह रजुआन फदी फीबादी दाखिल हो जाओ मेरे नेक बंदों में वायका मालीन आनमी सिद्दीकी जाओ उधर जाओ खोली जन्नति और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में अल्लाहम बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी ये कहने के लिए कि परवरिगार हमें इनमें शामिल फरमा दे सूरत अब ये इसका जोड़ा है बिस्मिल्लामान लाउकसम बेहद ये मैंने नहीं बुधा कि आपके सामने ये लाउक्मो क्यों है लाउक्समो लाउक्म बेमल्क़यामह ला वल वमा फलाशफा ये ला जो है नाफिया नहीं है ये ला है इस मानी में तुम जो कह रहे हो गलत है मैं कसम खाता हूँ क्यामत के दिन की इसी तरह तुम्हारे दिमाग में जो बैठा हुआ गलत नहीं जैसे कि अंग्रेजी में ने आई स्वेयर बाई द डे ऑफ जजमेंट लेकिन होता क्या है अंग्रेजी में ने के बाद कौमा लग जाता है तो आपको पता चल गया ये येहदा है लेकिन अरबी में ये कौमे वगैरह है नहीं तो ला उकसमो मैं नहीं कसम खाता ये नहीं है नहीं कसम है मुझे क़्यामत के दिन की नहीं कसम है मुझे इस शहर की कौन सा शहर मक्का मुकर्रमा क्यों ये अभी बात में वाज हो जाएगी वम बेहद और ए नबी आप हलाल कर लिए गए हैं इस शहर में और कुछ लोगों ने तर्जुमा किया है आपके लिए हलाल हो जाएगा ये शहर यानी यह कि एक वक्त आएगा कि इस शहर में खुरेज़ी करना आपके लिए उसकी इजाज़त हो जाएगी हालांकि ये जो है बलदुल हराम है गोया कि फतेह मक्का के दिन कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आखिर खुरेज़ी हुई है बहुत कम मिनिमम दिन हुई तो है लेकिन यह कि मेरे नज़दीक वो मफूम नहीं मफहम पहला है आपको हलाल कर लिया गया इस वक्त आपकी इज्जत नस्ब पे हमले हो रहे हैं आपको सताया जा रहा है आपको तकलीफें दी जा रही हैं आप झेल रहे हैं देखिए एक तो ये शहर है वादी गैर जीदरा जिसमें कुछ पैदा ही नहीं होता वहाँ की जिंदगी वैसे ही मुशक्त वाली जिंदगी थी उसके ऊपर टू तो एड फ्यूल टू तो फायर ए नबी आप पर अब ये जो मुशक्क़्क़्कत पड़ी हुई है कि आप दावत हक़ के ज़िमन में जो मुशक्तें झेल रहे हैं तो हम उसकी कसम खा रहे हैं नाउसम बेहद अलबल वाहम बेहदुलबलद व वालद व मावालद और तीसरी कसम वाल और औलाद ये एक और मुशक्कत है जो इंसान पर है औलाद का पालना परवान चढ़ाना परवरिश करना कितना बड़ा बोझ ये कस्मे खाकर क्या कहा लकद खलकमल इंसान हमने इंसान को मेहनत तो मुशक्कत ही में पैदा किया है ये गोया कि उसके साथ जोड़ लीजिए या यूहल इंसान इन न का रब का तो मैंने उसको भी अर्ज किया था गालिब के जो दो आशार हैं कैद हयात और गम असल में दोनों एक हैं बहुत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों मुशक्क़्क़त तो यहाँ हर एक के लिए मेहनत है मुशक्क़त है तकलीफ है मसाइल है परेशानियाँ हैं कोफ्त है हर शख्स के लिए बस जरा जरा सा फ़र्क है कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ है लेकिन चैन नहीं है एयर कंडीशन कमरों के अंदर मकबली गंदेलों पर नींद नहीं आ रही है कोई शख्स है कि जिसको मुशक्कत जो है जिसमानी है किसी की मुशक्कत जो है वो नफसियाती है मुशक्कत है नकत खलकन इंसान यहाँ कोई भी इस कबज से इस मुशक्क़त से मुस्तना नहीं है कहदे हया तो बंदेगा असल में दोनों एक हैं मौत से पहले आदमी से निजात पाए क्यों लेकिन वहाँ सुरा इन में तो उससे अगला बढ़ है कि हम तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे मरने के बाद फिर खड़े होना है अल्लाह के हजूर में जाकर फर्म किताबेमी नहीं अब ये वहां पर मसला हो जाएगा तो इंसान के लिए मुशक्कत और मेहनत जो है ये उसका मुकद्दर है बबाल बल नकदल इंसान अफी कब अह सबरा अहद इस मेहनत तो और मुशक्त में जो इंसान पड़े हुए उनके तमरुद का हाल देखो अबू जहल को देखो अकड़ा हुआ अगर इनके लिए दुनिया में आसानियां होती तो ये क्या करते क्या सितम ढाते? क्या क्या बगावतें करते क्या इंसान ये समझता है कि उसके ऊपर कोई काबू नहीं पाएगा यकूल अहलक लोबादा ये अब उनका कल्चर है बड़े फख्र से कहता मैंने तो बड़ा ढेरों माल जो है शेखी मारता है मैंने हलाक कर दिया मैंने खाने खिलाए गरीबों को खिलाए ये भी उनकी मुसाबकत रहती थी उनमें जो लोग थे अब अबू जहल का भी कॉल यही है ना जब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे ख्याल में मोहम्मद झूठे सल अलग नहीं, नहीं नहीं उनका भी झूठ नहीं बोला फिर तुम तो क्यों नहीं उन, इन पर ईमान लाते कि भाई बात यह है हमारा उनका मुकाबला था बनु हाशिम का और हमारे ख़ानदान का उन्होंने खाने खिलाए हमने उनसे बढ़ खिलाए उन्होंने और ख़दमत की गुजाच की हमने उनसे बढ़ की अभी तक तो हम कंधे से कंधे जोड़े चले आ रहे हैं अब अगर हम उनकी नबूत मान लें तो हम तो हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे ये सूरत मुझे गंवारा नहीं बिल्कुल सही सही बात कह दी झूठा मैं नहीं समझता मोहम्मद को समझाने से कितना अखलाक़ी रोग था हजूर का उस पर वो हम पढ़ लेंगे आगे चल कर जब सुन अलग हम पढ़ेंगे वो बाद में उसी वक्त के लिए मौजूद है तो वो शेखी मारते थे मैंने इतना हलाक कर दिया इतना खर्च किया इतना गरीबों में लुटाया अ यह सब अहद क्या उसका गुमान है उसे किसी ने देखा नहीं है अगर तो वाक्य तो उसने नेकी की थी तो जिसके लिए नेकी की थी उसने तो देख लिया है बयान क्यों कर रहा है अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई किया था तो सोच उसके तो में है अलम नजरूआ दैन क्या हमने इसको दो आँखें नहीं दी व लिसानम व शफतैन और जबान दी और दो होठ दिए व हदैनाजदन और हमने इसको राह दिखला दी दो घाटियों की दो घाटियों की हिदायत दे दी इसमें आम राय तो यह है कि इससे मुराद है नेकी और बदी लेकिन यह कि मुझे उस राय से ज्यादा इतफाक है जिनके ख्याल में इससे मुराद है मां की दो छातियां उभार होते हैं उसको कहते हैं जो चीज उभरी हुई हो यह जिमिली हिदायत है जो बच्चा लेकर आया है किसने पढ़ाया उसको किसने यह सिखाया है उसको कि जाओ चूसो और तुम्हारे अंदर दूध आ जाएगा तुम्हें जो है गजा मिल जाएगी यह हिदायत है अल्लाह मैंने ऐसा था जमिलली हिदायत खला का फंसा हुआ वल्लजी कद ना फा ये हिदायत तो लेके आया बच्चा उसे मालूम मेरी भजा कहाँ है उसकी माँ में उसके मुँह में जाता है माँ का दूध और वो उसको चूसता है और पीता है कहीं से सीख कर आया है कोई ट्रेनिंग उसको दी गई वहादैन बहरान दोनों मानी आप जहन में रखिए फलक तहमल आकाबाह लेकिन वो घाटी को अबूर न कर सका घाटी कौन सी है भाई वमादरा का कबा जानते हो वो घाटी कौन सी है फको रकबा किसी गर्दन का छुड़ा देना आजाद कर देना किसी गुलाम को आजाद करा देना अपना माल खर्च करके या किसी मकरूज का कर्जा अदा कर देना अपने माल से औ इतम फी योम जी मसलबा या खाना खिला देना भूख के दिन जबकि अपने भी लाले पड़े हुए हो कहत का आलम हो और आदमी को नजर आ रहा हो कि मेरा अपना स्टोर भी जो है गंदुम का खत्म हो रहा है फिर भी खाना खिलाए भूखे को यतीमन यतीम उस यतीम को कि जो कराबतदार भी है भतीजा है भांजा है और जा या वो मोहताज जो मिट्टी में रुल रहा है सुमक नजीना देखिए यह है वो फलसा जो सूरह हदीद में आया था अब अच्छी तरह समझ लीजिए इसमें से इंसान का इस घाटी में से निकल जाएगा तो आगे रास्ता साफ है वो असल जो ब्रेक लगा हुआ है वो माल की मोहब्बत का है उसको खोलोगे फिर गाड़ी चलाओ चलेगी गाड़ी जिसके दिल में ये माल की मोहब्बत है जो माल को खर्च नहीं कर सकता किसी भी जरूरतमंद के ऊपर किसी अदा हकूक के अंदर अब वो शख्स जो है वो तो गोया कि उस घाटी से निकला ही नहीं उसे ईमान की कहानी नेमत आएगी ईमान ले भी आएगा इस हाल में तो मुनाफिक होगा समझ रहे मेरी बात को अगर यह गंद दिल में से निकला नहीं पाक नहीं हुआ तो ईमान ले भी आएगा किसी वजह से तो मुनाफिक बनेगा मोमिन तो नहीं बन सकता सही मानी में इस गंदगी को दूर करो जैसा कि हमने वहां पढ़ा था एलमू, करीम ये मंजिल तय करके अगर ईमान लाया है इंसान तो सिद्दीक वो उनके बाराती आलिया खुले हुए हैं इधर जाओ या इधर जाओ अपनी उस्ताद तबा और मिजाज के मुताबिक यहाँ भी वही है पहले ये काम किए हो फलक तहबल अकबा

सुब मकान मिनल नजीन आमनु फिर हुआ वो उन लोगों में शामिल कि जो ईमान लाए और तवास बब्र व तबास बिलमरहमा ये वो आ गया है, वल आश्रसान लफी खसर आमनु व अमिन साल हाथे व तवास बिलहत व तबास बब्र और यहाँ पर तरतीब बदली हुई है वहाँ ईमान के बाद अमल या अमल साले के बाद ईमान है वहाँ तवासबिलहक़ के बाद तवासिब्र है यहाँ तवासीब्र पहले है तवासीबिलमरहमाबाद में है तो इसमें तकाबुल से बहुत से जो हक़ हैं वो खुलते हैं बिल सबर वतवा सोबिल भरामा अगर उस घाटी को अमूर करके आदमी आए और फिर वो ईमान लाने वालों में शामिल हो तो फिर उसका मामला उलाए का साबुल मै मना ये होंगे मैं मना वाले दाहने वाले वो दाहने वाले हम पढ़ चुके हैं सूरह वाक्य में भी वहन मा सबुल यमीन व शिमाल मा सबुल शिमाल फसाबिकून सबकून असाबकून कुल तुम स्तिर्ण स्तिर्ण तीन ग्रोहों में तुम तकसीम हो जाओगे फिर यह भी हो सकता है उनको जो नामे दिए जाएंगे दाहने हाथ में दिए जाएंगे इनको जो आमादालामे थमाए जाएंगे वो बाएँ हाथ में थमाए जाएंगे उलाए का साबुलमयना वैसे यमन का लफ्ज आता है खुशबी के लिए तो ये खुशबख्त लोग हैं ये कामयाब हो गए ये रुश्त और शहादत की मंजिलों को पा गए ये फौज और फलाह तक पहुंच गए वजीना कफर ना, और जो लोग हमारी आयात का इनकार करेंगे मशाबा, वो होंगे कम मख्ती वाले अल हिम नारूम उन पर आग बंद कर दी जाएगी यानी एक वो है आग आगे जिसका बाहर निकल रहे हैं लपटे निकल रही है एक ये भी बंद कर दिया जाए तो सारी हरारत अंदर ही अंदर रहे गोया के जैसे दम कहते हैं आप पूरी की पूरी जो है उनके ऊपर आग मूंझ दी जाएगी अल हिम सदा अल्लाह ताला हमें इससे बचाए और हमें अल्लाह ताला अपनी शान गफ़ारी और शान रहीमी के तुफ़ैल हमें अहाब जन्नत में दाखिल फरमाए बारक अल्लाहली व नफ़ा व या बिल आयात विकीत